अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नफीस आलम और आप मुझे देख रहे हैं मेरे अपने चैनल एक इंसान जॉब कंसल्टेंसी पे। दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे। जो चैनल पे पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन दबा लें, उससे आपको ये फ़ायदा होगा फ्यूचर में जो वीडियो आएगी उसकी नोटिफिकेशन मिलेगी और आप जान सकेंगे हमारे पास क्या वैकेंसी। तो दोस्तों आपने थंबनेल देखा होगा, आज जो वैकेंसीज़ के बारे में बात करूँगा मैं वो आपका जो है इंडियन आर्मी ज्वाइन करने का वैकेंसीज़ है। इंडियन आर्मी वैकेंसी यानी इंडिया गवर्नमेंट का वैकेंसीज़ है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, डिटेल्स आपको बताते हैं किस तरह से अप्लाई करना है और कैसे अप्लाई करना है। तो दोस्तों इंडियन आर्मी ज्वाइन करने का सबसे अच्छा मौका है कि अभी वो ऑनलाइन मॉनिटरी भी कर दिए हैं कि आपको कंपलसरी ऑनलाइन भी अप्लाई करना पड़ेगा। तो जिस तरह से ऐड मुझे मिली है तो उस तरह से मैं चाहता हूँ कि अपने सब्सक्राइबर को भी ये ऐड उन तक पहुँचा दूँ, वो जान जाए और उन पर अप्लाई कर ले जो अभी इंडियन आर्मी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। अभी जो वैकेंसीज है, रिक्वायरमेंट है, बहुत से अलग अलग स्टेट की वैकेंसीज है, हरियाणा, जलंधर, हर तरफ की वैकेंसीज है, लेकिन बेसिकली मैं बात करूँगा वेस्ट बंगाल की वैकेंसीज के बारे में जो आपके दो जगह पर है, कालीपुरम डिस्ट्रिक्ट में है और आपका जाके सिलीगुड़ी में है। सिलीगुड़ी का कालीपुरम डिस्ट्रिक्ट में जो जो वैकेंसी यानी वेस्ट बंगाल का पोस्टिंग जो आपका होगा कालीपुरम और सिलीगुड़ी डिस्ट्रिक्ट में होगा। ये रैली कब होगी, क्या है नहीं है, पूरा डिटेल्स आपको इस वीडियो में पता चलेगा, लेकिन वीडियो पूरा देखें। सबसे पहले जो माइनॉरिटी है इसमें 10th पास भी अप्लाई कर सकते हैं, 8th पास वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, अलग अलग कैटेगरी है। ऑफिसर जनरल गार्ड में भी है, उसके बाद आप डायरेक्ट मेस में, हाउसकीपिंग में, ट्रेडमेंट्स में होता है उसमें भी अप्लाई कर सकते हैं। तो हर तरह की कैटेगरी है। आर्मी में सिर्फ गन लेके बॉर्डर पे जाकर लड़ना चाहे कहीं ड्यूटी करना वैसा नहीं है, बहुत सी कैटेगरीज होती है, जैसे टेक्निकल डिपार्टमेंट होता है, ट्रेडमेंट्स में होता है, ठीक है, उसके बाद कुकिंग में भी होता है, तो इस तरह के हाउसकीपिंग वगैरह में भी होती है, तो बहुत सारा डिपार्टमेंट होता है। तो उस सारे बहुत जैसे जैसा डिपार्टमेंट होता है उस तरह से उनकी एलिजिबिलिटी होती है, क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट होता है, उनका जो बॉडी फिजिकल रिक्वायरमेंट सारी चीज़ें अलग अलग तरह की होती है। तो इस वीडियो को पूरा देखने का मकसद ये आपको इसलिए बता रहा हूँ मैं कि मैं जो बात बोल रहा हूँ उसको सुन लें सही से, उसके बाद मैं इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ मैं, आप उस लिंक में जाके डायरेक्ट भी इंडिया ज्वाइन इंडियन आर्मी .nic.in में जाके भी देख सकते हैं। मैं लिंक पूरा डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, आप जाके उसमें देख सकते हैं और उसमें फॉर्म भी भर सकते हैं, ऑनलाइन अप्लाई भी कर सकते हैं और उसमें आप अलग अलग स्टेट की कैटेगरीज भी दे सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप वेस्ट बंगाल से हैं तभी, आप जलंधर से हैं, पंजाब से हैं, बिहार से हैं, झारखंड से हैं, तो अलग अलग कैटेगरीज की आती रहेगी। अब मैं कोशिश करूँगा कि आने वाले दिनों में जो भी इस तरह की गवर्नमेंट की तरफ से ऐड जॉब सिक्योरिटी पाएगी वो आप तक मैं पहुँचाने की कोशिश करूँगा। तो ये जो बेसिकली है, बेसिक है, मेन समझिए 10th पास वाले अप्लाई कर सकते हैं और 8th पास वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, आर्मी जॉब में ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन जो मैंडेटरी है उसको आपको पूरा फुलफिल करना होगा, जो उनका 97 से लेकिन 2003 का डेट ऑफ बर्थ वाले बच्चे ही अप्लाई कर सकते हैं, प्लस उनका हाइट, वेट, ये सारी चीज़ें जो रिक्वायरमेंट है, इस लिंक को आप क्लिक करेंगे तो आप सीधा इंडियन आर्मी की वेबसाइट पर पहले ऐड में चले जाएंगे, जो लिंक मैं दिया हूँ उसमें आप सबसे पहले ऐड पर चले जाएंगे। ऐड के बाद आपको नीचे जाकर दिखेगा आपको ज्वाइन इंडियन आर्मी .nic.in, उसमें क्लिक करेंगे तो सीधा आप जाके इंडिया आर्मी के वेबसाइट पे चले जाएंगे। उससे पहले एक आपको नंबर आएगा, वो नंबर पे आप नंबर डालने के बाद जब ऑन करेंगे वेबसाइट तो उसमें सारी डिटेल्स मिल जाएगी कि कौन सी कैटेगरी किधर किधर अप्लाई करना है। इसको जाके फॉर्म भरिए, फॉर्म भर के अप्लाई कीजिए, जैसे ही आपको रिकॉल आता है फॉर्म भर देंगे। फॉर्म भरने के बाद आपको एक स्लिप मिल जाएगा, वो स्लिप रखेंगे आज जहाँ पर रैली हो रही है वहाँ पर जाएंगे, यानी कि रैली जिसको बोलते हैं दौड़, 1600 किलोमीटर, 1800 किलोमीटर, 1200 किलोमीटर, 1200 मीटर नहीं मीटर का जो दौड़ होता है वो मीटर दौड़ में भाग लेना होगा, उसको क्रॉस करेंगे, फिर आगे का वैसे स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस आपका होता जाएगा। आप जितना एलिजिबल होंगे आप उतना सक्सेस करते जाएंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हो तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अगर नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन दबा लें, इससे आपको ये फायदा होगा फ्यूचर में जो भी वीडियो हमारे पास आएगी, जैसे ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए जर्मनी के लिए, कनाडा के लिए, ऑस्ट्रेलिया के लिए, कुवैत के लिए, दुबई के लिए, बहरीन के लिए, ओमान के लिए, तो आप इसमें जॉब्स अप्लाई कर सकते हैं, देख सकते हैं।
अगर मान लीजिए कि आप ऑस्ट्रेलिया नहीं जा सकते तो लेकिन आपको नॉलेज तो होगा वीडियो देख के कि वहाँ पे क्या वैकेंसीज़ है, कैसी वैकेंसीज़ होती है, कौन सी कंपनीज़ होती हैं, उस कंपनी का नाम को आप गूगल पे सर्च करके देख भी सकते हैं, जान भी सकते हैं उसके बारे में। तो इस तरह से आपको फ्यूचर के लिए आइडियाज़ मिलेगी। तो बात कहना है दो लफ्ज में मैं कहना चाहता हूँ आप शायरी के थ्रू कि जिंदगी एक सफ़र है, मंजिल मिले या तजुर्बा दोनों ही नायाब होते हैं। तो वीडियो को देखना ना छोड़ें, वीडियो को देखें जिससे आपको अगर आप जॉब नहीं मिलेगा कम से कम आपको तजुर्बा ज़रूर मिलेगी। तो शब्दों मैंने आपको कह दिया, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अगर नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन दबा लें, इससे आपको ये फ़ायदा होगा फ्यूचर में जो वीडियो आएगी उसकी नोटिफिकेशन मिलेगी और आप जान सकेंगे हमारे पास क्या है। ठीक है दोस्त, फिर मिलेंगे हम नई वीडियो नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए दुआ में याद रखिए, अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।